गुड मॉर्निंग अगेन, वेलकम इन क्लास सिक्स साइंस एंड द न्यू चैप्टर मैग्नेटिज्म। ओके, मैग्नेटिज्म ये हमारा न्यू चैप्टर है। ठीक है, हम लोग लाइट शेडो एंड रिफ्लेक्शन के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नोट्स हम लोगों ने देख लिए और इन क्वेश्चन जो है हम लोगों ने कर लिए। पीडीएफ मैंने आपको पूरी एक्सप्लेन कर दी और पीडीएफ भी आपको समझा दिए पूरी। ठीक है, अब हम मैग्नेटिज्म जो नेक्स्ट चैप्टर है वो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए मैग्नेटिज्म से आप लोग फैमिलियर हैं, मैग्नेटिज्म आप लोगों ने नाम सुना भी होगा, मैग्नेट सबने अपने घर पे देखी होगी। ठीक है, तो उसी मैग्नेट की प्रॉपर्टी, मैग्नेट का स्ट्रक्चर, ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ओके, यू मस्ट हैव सीन दैट व्हेन यू लीव द डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर स्लाइटली ओपन इट शट डाउन ऑटोमेटिकली। आपने देखा होगा कि जैसे आप रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलते हैं, ठीक है, और वो जैसे उसको छोड़ते हैं वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है। डू यू नो हाउ वाई, आपने सोचा ऐसा क्यों हुआ? इट हैपन्स ड्यू टू मैग्नेटिक डोर क्लोजर्स फिटेड इनसाइड द रेफ्रिजरेटर। ठीक है, क्या होता है कि उस जो डोर है उसमें मैग्नेट जो है वो क्या करते हैं, फिट करते हैं इनसाइड में, ताकि वो उसको क्या कर लेती है, खींच लेती है वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में, दरवाज़ा जो है वो लग जाता है। सिमिलरली यू मस्ट हैव सीन दैट इन अ पिन होल्डर कॉमन पिन्स स्टिक टू द होल्डर। जो पिन होल्डर होता है उसमें भी कॉमन पिन्स जो होती है वो उस होल्डर में क्या हो जाती है, स्टिक हो जाती है। ठीक, दिस इज बिकॉज द होल्डर कंटेंट्स अ मैग्नेट। और ये भी किससे होता है कि मैग्नेट जो है उसको क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं ये मैग्नेट की जो प्रॉपर्टी है उसको एक्सप्लेन कर रही है कि मैग्नेट की कुछ प्रॉपर्टी होती है अट्रैक्ट करने की। उसी फिनोमिना को हम आगे जो वो समझेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सिमिलरली यू मस्ट हैव सीन अ पिन होल्डर कॉमन पिन स्टक टू द होल्डर। ये देखिए ये वाला डायग्राम में आप देखें, ये एक तो हमने अभी रेफ्रिजरेटर देखा, ठीक है, ये रेफ्रिजरेटर का हो गया, ये यहाँ मैग्नेट लगी रहती है, ठीक है, और ये आयरन है इधर, तो जैसे हम इसको खोलते हैं, ठीक है, तो ये इसको क्या करेगा, फिर अट्रैक्ट करके वापस अपनी पोजिशन में ले जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ये पिन होल्डर जो है वो इन पिन्स को क्या करता है, अट्रैक्ट करके रखता है, क्योंकि इसके अंदर मैग्नेट होता है और इससे ये बिखरती नहीं है, अट्रैक्ट होके रहती है। दिस इज बिकॉज द पिन होल्डर कंटेन अ मैग्नेट। मैग्नेट्स आर मटेरियल दैट अट्रैक्ट्स मैग्नेटिक सब्सटेंस सच एज आयरन निकल एंड कोबाल्ट। ये यहाँ से मैग्नेट की हमने डेफिनेशन देखी, मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल है जो मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, कौन कौन से मैग्नेटिक सब्सटेंस, आयरन निकल एंड कोबाल्ट, ठीक है, इन सब्सटेंस को ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। वी कैन सी दैट द मटेरियल हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग मैग्नेटिक सब्सटेंसेज आर कॉल्ड मैग्नेट। ठीक है, और हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा मटेरियल जिसकी मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं। द फोर्स एग्जर्टेड बाय द मैग्नेट ऑन मैग्नेटिक सब्सटेंस इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, और क्या होता है कि जो मैग्नेट है ये उन मैग्नेटिक मटेरियल पर, जैसे आयरन है, निकल है, कोबाल्ट है, इस टाइप के मटेरियल पर एक फोर्स लगाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो बोलते हैं। ठीक है, ये हमने मैग्नेट की डेफिनेशन देखी, कुछ एग्जांपल्स देखे डे टू डे लाइफ में। अब हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाते हैं कि डिस्कवरी कैसे हुई मैग्नेट की, या डिस्कवरी कहाँ पर हुई है। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट, देर आर डिफरेंट व्यूज़ अबाउट द डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट की डिस्कवरी के बारे में बहुत सारे व्यूज़ हैं। वन व्यू इज़ दैट देर वॉज अ शेफर्ड नेम्ड मैगन्स। ठीक है, मैगन्स जो है वो नाम है। वन डे वाइल मूविंग ऑन माउंटेन साइड अलोंग विथ हीज हर्ड, एक दिन वो जो है वो माउंटेन पर घूम रहा था, ठीक है, विथ हीज हर्ड्स ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द नेल्स ऑफ हिज शूज एंड द आयरन स्टिक ऑफ हिज स्टिक गॉट स्टक टू द माउंटेन्स रॉक। ठीक है, ही
उसने क्या देखा, ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड, वो सरप्राइज हुआ, माउंटेन पर घूम रहा था, वो सरप्राइज हुआ कैसे, टू फाइंड दैट नेल्स ऑफ हिज शू, उसके शूज़ में जो नेल्स थी, जो कीलें थी, एंड द आयरन स्ट्रीप ऑफ हिज एंड आयरन टिप ऑफ हिज स्टिक, जो उसके पास स्टिक थी, लकड़ी थी, उसकी जो आयरन टिप हैं, ठीक है, जो जैसे हमारे पास में एक छड़ होती है लोहे, ऐसे लकड़ी होती है, इसके यहाँ हम टिप पर एक लगा देते हैं, आयरन का लगा देते हैं ताकि वो लकड़ी फटे नहीं, इसलिए हम यहाँ पे लगाते हैं। तो ये जो टिप है, ठीक है, गॉट स्टक टू द माउंटेन्स रॉक, तो ये जो है, ये उसकी एक तो क्या क्या, उसके शूज़ में जो नेल्स है वो, और जो उसके स्टिक में जो आयरन टिप थी वो माउंटेन की जो रॉक हैं उन पर स्टक होने लगी, चिपकने लगी। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम द रॉक। एट लास्ट अ वाइज मैन एक्सप्लेन दैट द रॉक वॉज नेचुरल मैग्नेट एंड इट अट्रैक्ट्स द आयरन टिप ऑफ शेफर्ड स्टिक एंड नेल्स इन द शूज़। तो उसको ये डिफ़िकल्टी हो रही थी कि वो एक तो उसके शूज़ में जो आयरन नेल्स है वो माउंटेन रॉक उसको अट्रैक्ट कर रही थी, दूसरा उसकी जो स्टिक में जो आयरन टिप थी उसको भी अट्रैक्ट कर रही थी। तो इसको बाद में एक व्यक्ति ने एक्सप्लेन किया कि जो आयरन जो माउंटेन्स हैं वो एक तरीके से नेचुरल मैग्नेट का काम कर रही हैं और वही इन दोनों चीज़ों को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, दिस इज़ हाउ नेचुरल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड, और इसी से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से नेचुरल मैग्नेट जो है वो डिस्कवर्ड हुई है। सच रॉक्स दैट हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वर गिवन द नेम मैग्नेटाइट। ठीक है, तो ऐसी रॉक्स चट्टाने जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो अपने पास रखती है वर गिवन द नेम मैग्नेटाइट, उनको नाम क्या दिया गया, मैग्नेटाइट, क्या नाम दिया गया, मैग्नेटाइट, परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ शेफर्ड मैगन्स, शायद ऐसा अनुमान लगाते हैं कि वो शेफर्ड जो मैगन्स था उसी के नाम पर जो है वो उसे दिया गया है। चाइनीज सेलर्स यूज्ड मैग्नेट्स टू फाइंड डायरेक्शन फॉर देयर शिप। ठीक है, जो चाइनीज सेलर्स होते हैं वो मैग्नेट का यूज़ करते हैं, किस में यूज़ करते हैं, शिप को डायरेक्शन, शिप की डायरेक्शन फाइंड करने में कि हमारा जो शिप चल रहा है वो किस डायरेक्शन में चल रहा है। स्पेशली व्हेन द सन और द पोल स्टार वर नॉट विजिबल ड्यूरिंग क्लाउडी वेदर। ठीक है, तो स्पेशली कब, जब सूर्य उनको नहीं दिखता है और जो पोल स्टार होता है, ध्रुव तारा जो होता है वो क्लाउडी वेदर में जब विजिबल नहीं होता है तो उसमें मैग्नेट का ही यूज़ किया जाता है डायरेक्शन को फाइंड करने में। द फर्स्ट नेम द मैग्नेट इज आइडोस्टेन, लीडिंग स्टोन। ठीक है, लेडोस्टोन या लीडिंग स्टोन। ठीक, सबसे पहली जो मैग्नेट है जिसको हम लोडेस्टोन या लीडिंग स्टोन बोलते हैं, उसकी डिस्कवरी हुई थी। ओके, नाउ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। नेचुरल मैग्नेट क्या होते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होते हैं, देखिए मैग्नेटाइट और लेडोस्टोन इज अ नेचुरल मैग्नेट बिकॉज इट इज़ फाउंड इन नेचर। ठीक है, मैग्नेटाइट और एक और क्या आपका लोडेस्टोन, ये क्या है, नेचुरल मैग्नेट्स हैं, ये क्या है, नेचुरल मैग्नेट्स हैं। ठीक है, क्योंकि नेचर में पाए जाते हैं। नेचुरल मैग्नेट्स हैव जनरली लो मैग्नेटिक पावर। नेचुरल मैग्नेट की मैग्नेटिक पावर क्या होती है, लो होती है। मोर एवर सच मैग्नेट आर नॉट फाउंड एट ऑल प्लेसेस। ठीक है, और ऐसी मैग्नेट जो है वो हर जगह नहीं मिलती है। देयरफॉर आर्टिफिशियल मैग्नेट आर प्रिपेयर्ड बाय ह्यूमन दैट कैन बी यूज्ड एट एनी टाइम एंड एट एनी प्लेस। इसीलिए आर्टिफिशियल मैग्नेट बनाए जाते हैं जो किसी भी समय कहीं पर भी किसी प्लेस पर यूज़ कर ले जाते हैं। दिस मैग्नेट आर मच स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल मैग्नेट। और ये जो मैग्नेट होते हैं ये कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं नेचुरल मैग्नेट की तुलना में, कंपेरिजन में। ठीक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट में भी रोड शेप्ड, यू शेप्ड और हॉर्स शू शेप्ड। ठीक है, देखिए ये यू शेप्ड में इस तरीके की मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट हैं इस तरीके से, और ये एक बेल एंडेड मैग्नेट है, और ये एक सिलेंड्रिकल मैग्नेट है इस तरीके से। ठीक है, तो ये मैग्नेट के अलग अलग टाइप्स यहाँ पे दे रखे हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। इनकी शेप के हिसाब से हम जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं कि किस टाइप का
मैग्नेट है, ठीक है। अब मैग्नेट पे क्या होते हैं, दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। हर एक मैग्नेट पर दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ को बताता है और एक साउथ को बताता है, नॉर्थ, ठीक है, नॉर्थ एन ओ आर टी एच, और एक साउथ, जैसे डायरेक्शन होती है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ एस साउथ एस ओ यू साउथ, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो हमने बेसिक आइडिया पढ़ लिया मैग्नेट के बारे में। ओके, और हम इसको फर्दर क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। ओके।